शाहरुख खान फिल्म ऑपरेशन खुकरी में काम करना क्यों चाहते हैं? क्या है इस फिल्म की कहानी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। शाहरुख खान के बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। ये फिल्म ऑपरेशन खुकरी पर आधारित है, जो साल 2000 में भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा पश्चिम अफ्रीका के सीरा लियोन के जंगल में शुरू हुआ था। नई दिल्ली से वायुसेना के 120 जवानों को अफ्रीका भेजा गया था, ताकि वहां फंसे 223 लोगों को अपने देश वापस लाया जा सके। वहां के विद्रोही संगठनों ने कैद कर रखा था। खास बात यह है कि भारतीय सेना और वायुसेना के जज्बे को सलाम करती है। इस फिल्म की शूटिंग अफ्रीका में होगी। फिल्म के प्रोडक्शन टीम ने अभी से ही फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है। इस फिल्म को लेकर टीम में काफी उत्साह है। फिल्म शाहरुख खान के बेहद करीब है, क्योंकि अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी आर्मी वाले किरदार के फौजी से ही की थी। सबसे महंगी फिल्म, इस फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का सबसे महंगा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशंस पर होगी। और वहीं करण जौहर ने इसके बारे में बात करते हुए बताया, जब करण यानी कि मैं फिल्में बनाने की शुरुआत कर रहा था, शाहरुख खान अपना नाम इंडस्ट्री में स्थापित कर चुके थे। इस बीच जब जीरो के बाद से शाहरुख की फिल्मों के चयन पर सवाल उठने लगा, तो करण ने उनका पूरा समर्थन किया। हाल ही में निर्माता करण जौहर मुंबई में एक आयोजन में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने बातचीत के दौरान शाहरुख खान के स्टारडम और बॉलीवुड में स्टारडम की परिभाषा को लेकर विस्तार से बातचीत की। करण जौहर ने कहा कि शाहरुख खान को सुपरस्टारडम हासिल है, वो सुपरस्टार हमेशा रहेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने शाहरुख खान की असफल फिल्मों के सवाल का भी जवाब बखूबी दिया। चलिए हम आपको बताते हैं कि करण जौहर ने क्या कहा। करण जौहर ने कहा कि शाहरुख खान की कुछ फिल्मों ने अच्छा बिजनेस नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि शाहरुख कमाल के एक्टर हैं, वो एक मेगा स्टार हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने अभी अपनी फिल्म कलंक के फेल्योर को देखा है, वैसे ही शाहरुख खान की फिल्म नहीं चल सकी। उनकी कुछ फिल्मों ने बेहतर बिजनेस नहीं किया, लेकिन उस बात को पकड़कर नहीं बैठ सकते। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए करण कहते हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों में सुपर स्टारडम के मालिक हैं शाहरुख खान। उनका एक कमाल का ऑरा है। हर बार जब सुपर स्टारडम की बात आती है, तो शाहरुख खान के बारे में वो सबसे पहले सोचते हैं। करण जौहर ने आगे कहा कि आज के जमाने में किसी को खुद को सुपर स्टार नहीं समझना चाहिए। असली सुपर स्टार जनता है और कहानी लिखने वाला है। अगर बॉलीवुड का कोई राजा है तो वो कंटेंट है, हम उसी के आधार पर काम करते हैं। वरना यहाँ पर कोई राजा, कोई रानी और कोई शासक नहीं है। कंटेंट आधारित फिल्मों पर शाहरुख का फोकस। बता दें कि शाहरुख खान की पिछली फिल्म जीरो असफल रही। इसके बाद वो अब किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। वो ऐसी फिल्मों का चयन करना चाहते हैं जो उनकी रोमांटिक इमेज से थोड़ा अलग हो। कंटेंट आधारित फिल्मों पर शाहरुख खान का फोकस है। रिपोर्ट्स के अनुसार राकेश शर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा में वो एक बार फिर से काम कर सकते हैं। अब शाहरुख खान एक्शन फिल्मों से जुड़ने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अलावा दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस की भी स्क्रिप्ट बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, और उन्होंने ऑपरेशन खुकरी की स्क्रिप्ट को चुन लिया है। तो दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इससे पहले भी शाहरुख खान आर्मी वाले का किरदार निभा चुके हैं। इस बार वो अपने दर्शकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए क्या कुछ नया लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।